वेलकम बच्चों। सो जैसे हमारा चल रहा है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें एक्सरसाइज 2.1, उसमें आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14। बच्चों इसके पहले जो एक दो क्वेश्चन है जो मैंने लिए नहीं, लेकिन आप उसको कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम में हमने सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये सब जो चीज़ें देखी और उसी का ही रेट को मेज़र किया है बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, ठीक है? तो उसी प्रकार हमारे पास आज है नए टॉपिक में प्रॉब्लम। अब इसके जैसे भी आप प्रॉब्लम्स होंगे तो आप सॉल्व एग्जाम्पल में से, खुद एक्सरसाइज में से या फिर मिसलेनियस में से आप कर सकते हो, ठीक है? तो चलो यहाँ पर हमारे पास देखते क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। सो ये हमारे पास आंसर्स की मैंने हेडिंग डाल दी है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। देखो क्या कहा उन्होंने, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक आदमी है जिसकी हाइट लगभग कितनी है 2 मीटर है, वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट ने जो हमारा खंबा होता है ना, बिजली का खंबा, ठीक है? तो मान लेते कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, बिजली का खंबा बोलो या फिर कोई भी जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति भी क्या होगा, चलेगा तो ज़मीन पर ही। तो मान लीजिए ज़मीन है और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, या बिजली का खंबा बता देता हूँ ऐसा इस तरह से, ठीक है? और किसी एक आधे पॉइंट पर वो मैन चल रहा है ये बता देता हूँ। तो जाहिर सी बात है हमारे पास में जो आदमी होगा, आदमी उस खंबे से तो छोटा ही होगा ना, ठीक है? सो क्या कहा, हाइट 2 मीटर है। तो ये आदमी समझो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो ये ए बी है और सी डी हमारा क्या है, आदमी है, ठीक है? थोड़ा सा कम बता देता हूँ मैं, ठीक। अब दोनों के दोनों देखा जाए तो यहाँ पे 90, क्योंकि वो चलते समय में जैसे मैं भी हूँ तो ज़मीन के साथ मैं कितने का एंगल बनाऊँगा, मैं 90 का, ठीक है? और खंबा भी कैसा रहेगा, वो भी सीधा रहेगा, यानी 90 का तो एंगल बनेगा भाई। अब हो क्या रहा है, ठीक है? ये आदमी की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब आदमी हवा में तो चलेगा नहीं, चलेगा तो वो इधर ही, यानी बी से डी की तरफ, यानी डी से भी दूर जा रहा, बी से दूर जा रहा, ये लैम्प पोस्ट से, यानी ये बिजली का जो खंभा है उससे वो दूर जा रहा। कहाँ है उसने, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई, लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। तो ये जो हमारा ए बी है ये हमारा कितना है 6 मीटर, और आदमी कितना है 2 मीटर, ठीक है? अब वो यहाँ से आगे बढ़ रहा है। अब होगा क्या, फाइन द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो। अब शेडो का मतलब जो हमारी परछाई होती है, सावली, ठीक है? तो अब बात ये बच्चों कि ये इधर जा रहा है, तो हो सकता है कि इधर में कहीं आपके पास सन हो, तो इधर से अगर रेज आते तो रेज इसके ऊपर आएंगे, और आपको मालूम है लाइट अगर आएगा तो हमारी शैडो इधर आएंगे, लाइट इधर से होगा तो शैडो इधर आती। तो मान लीजिए हमने सन यहाँ पे ले लिया तो शैडो इधर में जाएंगे, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं शैडो क्या है इस तरफ में ऐसे बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से ऐसे रेज आ रहे हैं, ठीक है? रेज अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर शैडो इस तरह से कास्ट होगी, ठीक है? तो शैडो कहाँ पे आएगी, मान लीजिए, ठीक है? तो जैसे ये आदमी है सीढ़ी, तो मेरी जो परछाई है हवा में थोड़ी ना दिखती है, वो तो ज़मीन पर ही दिखेंगे, यानी ये जो डी ई है, ये डी ई आपकी शैडो है, ठीक है? और आदमी जो है, आदमी इधर से इधर ऐसा जा रहा है, यानी क्या बोलेंगे, द मैन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम ए बी, ए बी इज़ द लैम्प पोस्ट एंड सी डी इज़ द मैन। हम लिखना शुरू कर देते हैं, लेट अपने मन से ले रहे, तो ए बी को आप क्या बोल दीजिए, लैम्प पोस्ट बोलिए, ए बी को क्या बोलिए, लैम्प पोस्ट, यानी बिजली का खंबा, ठीक है? तो पोस्ट यानी वो पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट नहीं है, लैम्प पोस्ट यानी खंबा होता, ठीक है? और सीढ़ी क्या है आपका, सीढ़ी द मैन, ठीक है? द मैन बोलो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, द मैन इज स्टैंडिंग, या फिर वॉकिंग एट पॉइंट डी, ठीक है? डी से अभी जा रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे लिख देंगे द मैन इज मूविंग अवे, या फिर वॉकिंग अवे लिख सकते हो आप, मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। तो लैम्प पोस्ट से क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, लैम्प पोस्ट से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि ये पहले देखो बी से जैसे जैसे इधर इधर आएगा, एक बात बताओ ये आप करके देख लो घर में जाके, बजी नहीं, ये आप करके देखो क्या है, जैसे मान लीजिए देखो इधर से भी लाइट है, मान लो आ रहा है, तो मेरी शैडो इतनी होंगी, जैसे जैसे आप इधर इधर जाएंगे तो शैडो हमारी कम कम होती जाती, और जैसे आप वो उधर जाएंगे यानी सोर्स से दूर, ठीक है, लैम्प से दूर जाएंगे, आपकी शैडो बढ़ती है। नहीं तो अभी घर में जाके चेक करो, बाद में वीडियो देखो, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे जैसे ये बादशाह इधर जाएगा इसकी जो शैडो है, शैडो बढ़ती जाएगी। अभी वो फिलहाल डी पर है, तो मान लीजिए कि जो डी ई है, ये जो एक्स है, ये एक्स मीटर उसकी क्या है, शैडो है,
ठीक है। और फिलहाल ये जो आदमी डी पर है, तो डी पर है तो ये ए बी लैम्प पोस्ट है, यहाँ से मान लीजिए वो कि वाई मीटर दूरी पर है, कितने अंतर पर है, कितने डिस्टेंस पर है, वाई मीटर, यानी द मैन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम ए बी, ठीक है, एंड इट्स अ शैडो इज एक्स मीटर, ठीक है। सो मान लीजिए कि लेट डिस्टेंस ऑफ बी डी ले लेते, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ऑफ मैन इस टाइम में, कोई भी टाइम है, उस टाइम में उस मैन का डिस्टेंस कहाँ से लैम्पो से कितना है, समझो वाई है, और उसकी शैडो क्या है, समझो एक्स है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, लेट, ठीक है, लेट बी डी इज इक्वल टू वाई, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू वाई मीटर, यानी क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ मैन, डिस्टेंस ऑफ मैन, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम लैम्प पोस्ट, फ्रॉम लैम्प पोस्ट, ठीक है, लैम्प पोस्ट से उसकी दूरी, ठीक है। और आगे में देखो, ये डीई जो है, आप इस डी को ले सकते हो एक्स मीटर, ठीक है, दिस इज व्हाट द शैडो ऑफ मैन, द शैडो, ये क्या है आपके, शैडो ऑफ मैन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब क्या होगा यार, जब ये यहाँ से इधर इधर जा रहा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप, तो ये जैसे जैसे उधर जाएगा तो y बदलेगा, उसके साथ उसकी शेडो बदलेगी, यानी x भी बदलेगा, तो y जो बदलेगा, तो y आपका क्या हो रहा, वो लैम्प पोस्ट से जो दूर जा रहे हो, तो वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वही आपकी स्पीड कहलाती। तो देखो यहाँ पे उसने क्या दिया, उसने स्पीड दी है, उसने स्पीड कितनी दी है हमको, ये मैं रेड पेन से यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये देखो ये हमारे पास में क्या है, स्पीड दी है उसने, ठीक है, कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि सो ये जो दिया है, ये डी वाई बाय डी एक्स है, कितना दिया है हमारे पास में, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, मेरी गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पे टी चाहिए, डी वाई बाय डी टी, क्योंकि जो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आगे जाएगा, ठीक है, तो वाई चेंजेस होते जाएंगे, तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वाई, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये स्पीड हो गई। तो उसी प्रकार हमको निकालना क्या है, ये एक्स निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आपका, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो, तो शैडो कौन है, एक्स है, उसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा आपसे, जब आप लाइट से दूर जाएंगे, सोर्स से दूर जाएंगे, तो आपकी जो परछाई है, आपकी जो क्या बोलेंगे मराठी में, सावली, ठीक है, वो जो शैडो है वो बढ़ती जाएंगे, यानी अगर ये वाई ज़्यादा हो गया तो एक्स भी ज़्यादा होगा। सो यू हैव टू फाइंड दिस डी एक्स बाय डी टी, ये भी बढ़ते जाएंगे और टाइम के साथ में होगा। मैंने कहा था, जब भी आप ज़्यादातर जितने भी रेट होते हैं, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज, ऑल दी चेंज दे आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दे आर अबाउट टाइम अज बोलेंगे आप, ठीक है। अब रही बात, जैसे आप बोलेंगे सर हम तो मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे रेट पूछते हैं, बैंगन का रेट, आलू का रेट, प्याज का रेट, वो तो टाइम नहीं रहता, वो तो विद रिस्पेक्ट टू पैसा रहता। मेरे बच्चों, पैसा भी टाइम के अनुसार बदलता है, यानी फाइनली टाइम के साथ चलता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना इस बात को। चलो आगे क्या कहा उसने, देखो, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी टी तो दिख गया मुझे, वाई है, सॉरी सिक्स है, डी एस बाई डी टी निकालना है, वो भी ओके है, लेकिन बात क्या है, मैं डी एस बाई डी टी निकालू कैसे, मुझे रेट तो चाहिए, मुझे इक्वेशन तो चाहिए, मुझे रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई तो चाहिए। जब तक एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस, सॉरी रिलेशन मिलेगा नहीं, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द रिलेशन इन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो फॉर that just see this figure now, check this, अब इस फिगर को चेक करो, how many triangles are you watching there, कितने दिख रहे हैं आपको, कितने देख रहे हैं आप यहाँ पे, कितने ट्राइंगल देख रहे हैं, yes there are two triangles, which are they, CDE and ABE, देखो आप CDE ये ट्राइंगल है और ABE ये एक ट्राइंगल है। अब पहले अगर आपको x और y का रिलेशन लगाना है ना, तो मेरे बच्चों पहले इन दो ट्राइंगल को, एक छोटा CDE और एक बड़ा ABE, इनका रिलेशन लगाओ। मैं ये कहता हूँ कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वैसे तो हम डायरेक्ट लेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा 10th क्लास में चल दो तो वहाँ पे टेस्ट होती है किस चीज़ के लिए, सिमिलैरिटी के लिए। अब सिमिलैरिटी के लिए टेस्ट कौन सी है, यस यस यस, यस ए यस और ए ए टेस्ट है, सबसे सिंपल यानी सबसे सस्ती और मस्त टेस्ट है ए ए। यू हैव टू जस्ट शो टू एंगल्स ऑफ रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा रेड पेन से बता दूँ, तो ये जो एंगल नज़र आ रहा है,
ठीक है, ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देखो सी ई डी ए ई बी हो गया कॉमन, उसके बाद में सी दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों 90-90 है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन एंगल, ये 90-90, यानी ए टेस से ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस यहाँ पे मैं वो शो करने वाली बात नहीं, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। सो नाउ फ्रॉम फिगर, व्हाट वी से फ्रॉम फिगर, हम यहाँ से चेक करेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम फिगर चल जाएगा। अब यहाँ से मैं लेता हूँ ए बी अपॉन सी डी, यहाँ पर बी ई अपॉन डी ई, एंड फाइनली ए ई अपॉन सी। कौन बताएगा मुझे ये क्या है? अरे हमारे पास में सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी के तीन उपयोग है, अप्लीकेशन है, सी एस एस टी, सी ए एस टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। थोड़ा 10th क्लास में चले जाओ, मैंने साइड ली है तो सी एस एस टी ये मैं ले लूँगा यहाँ पर। अब चलो ए बी, ए बी काम की है क्योंकि ए बी की वैल्यू मालूम है, अपॉन दिस इज सी डी। नाउ बी ई, हाँ बी भी काम की है तो बी को ले लेता हूँ मैं, और बी के साथ में हो जाएगी डी। अब चेक करो ये ए, तो ए मालूम भी नहीं है, सी मालूम भी नहीं है, उसका काम भी नहीं है। नाउ पुट द वैल्यूज, ए बी, ए बी देखो इट इज़ 6, सी डी देखो सी डी, सी डी है 2, उधर में बी ई, मेरे बच्चों देखो यहाँ पे बी ई यानी टोटल है, तो इन दोनों का मिक्सचर होगा, तो डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, अपॉन डी, देखो डी ई, तो ये डी है आपके पास, दैट इज एक्स, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, ये 3 बन जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा ऐसा, मेक इट क्रॉस, ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, सो फाइनली आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड नाउ वी हैव फाउंड दैट रिलेशन। अब हमारे पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, हमको डी वाई बाई डी टी इट इज़ गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड डी एस बाई डी टी द रेट ऑफ शैडो, रेट ऑफ इंक्रीजिंग द शैडो, ठीक है। जो भी है हमारे पास जो पूछा है, रेट ऑफ लेंथ ऑफ शैडो विच इज़ इंक्रीजिंग, हमको पूछ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मैंने कहा रेट मेजर जो होते हैं मैक्सिमम टाइम के साथ होते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टी बोलेंगे, सो टू को बाहर निकाल दो, दिस विल बी डी एक्स बाय डी टी एंड दिस इज योर डी वाई बाय डी टी हो जाएगा मेरे बच्चों। चलो अब काम करते हैं, अब यहाँ पे आपको पूछा क्या है, डी एस बाय डी टी, सो पुट डी एस बाय डी टी एज इट इज एंड दिस विल बी डी वाई बाय, सॉरी यहाँ पर लिखना है मुझे डी वाई बाय डी टी अपॉन, ये टू नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये डी वाई बाई डी टी कितना दिया है, 6, सो पुट हियर दिस इज डी एक्स बाय डी टी। अब आप चेक करो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज 6 एंड दिस इज योर 2, सो फाइनली दैट कम्स टू डी एक्स बाई डी टी कम्स टू 3, ठीक है। ऊपर में x है यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोल सकते, तो किलोमीटर ले लेते, और यहाँ पे t है टाइम में, यानी यहाँ पे मेरे ख्याल से आवर लिया गया है, तो ठीक है वी टेक इट एट एज आवर, ठीक है ये ले लेते। अब उसके बाद फाइनल लाइन लिख लो, क्या कहा था उसने, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग, सो लिख दो, सो द रेट एट विच द शैडो इज इंक्रीजिंग इज इक्वल टू, ये होगा डी एस बाई डी टी और उसकी वैल्यू होगी 3 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान दो बच्चों। सो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये रेट मेजर्स आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे देखो अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को मैं हल्के से समझा देने वाला हूँ, आपको घर पे होमवर्क करना है, ये सन है, ठीक है, नहीं तो आप समझेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है, इधर से रेज ऐसे आने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमको शैडो मिले, ठीक। तो ये बच्चों यहाँ पर इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से देखो, अब उसके यहाँ पे हो क्या रहा था, ये लैम्प पोस्ट है ए बी यानी बिजली का खंबा है, ठीक है, यहाँ से आदमी क्या हो रहा था, दूर जा रहा था। अब देखो क्या हो रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स है, बराबर आगे क्या है, वॉक्स
टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट, ठीक है। पहले केस में क्या था, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, अब क्या दिख रहा है वहाँ पे, टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट। अब मेरे बच्चों ये इधर में लाइट है मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि मैं ऐसा 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 इधर में चलता हूँ, तो आप देखेंगे मेरी जो शैडो है वो शैडो का साइज कम 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 होता है, यानी शैडो गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। ऊपर से जो दूरी है मुझ में और लैम्प पोस्ट में वो भी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर हमने क्या निकाला है, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यानी डीवाई बाई डी टी रहेगा, डी एस बाई डी टी निकालना तो है, लेकिन डिक्रीजिंग होगा वो, ठीक है। निकालना जो जैसी वैल्यू आएंगी वही निकालना, आंसर आ जाएगा आपका। द अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर वॉक्स टूवर्ड्स अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5। देखो लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी दी है 4.5, और इसकी हाइट कितनी दी है 1.5, यानी इसी की तरह है। उसके बाद में क्या है, एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड, बस दिया क्या है यहाँ पे, आओ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, एंड दिस विल बी योर डी वाई बाई डी टी, ठीक है। देन फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, ठीक है। शैडो शॉर्टनिंग मतलब शॉर्ट हो रही है, मैंने कहा था आप जब लाइट के तरफ जाएंगे, सोर्स के तरफ जाएंगे, तो शैडो आपकी कम होंगे, निकाला तो वही है डी एस बाई डी टी का, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसा ये है वैसा ही काम करते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, उसमें एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, उसमें कौन सा, कि ये जो आप देख रहे हैं वो, ये आपके पास में नया क्वेश्चन है, उसमें हो क्या रहा है उसको समझो और करना है प्लीज़, ठीक है। क्या है, द टीप ऑफ द शैडो इज मूविंग, ठीक है, यानी क्या, इसके पहले ये पढ़ना पड़ेगा, फाइंड द रेट एट विच टीप ऑफ द शैडो। अब टीप ऑफ द शैडो का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर देखो, जैसे मैं ये डी से ई तक ये पूरी क्या हो जाएंगी आपकी शैडो, लेकिन बात करूँगा टीप, तो टीप का मतलब क्या होता है, ये जो नोकीला पॉइंट रहेगा ये, तो पॉइंट ई भी मेरे बच्चों क्या होगा, अब देखो अब एक्स की बात नहीं है, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा टी ई है, तो ई भी पूरा का पूरा किधर आना लगेगा हमारे पास, इधर। और जैसे ही आप खंबे के पास में पहुँच जाएंगे ना, आपकी शैडो एकदम आपके नीचे रहेंगे, यानी शैडो आप बोल सकते हैं कि जीरो हो सकेंगे, अगर आपके सर के, क्योंकि खंबा तो ऊँचा है ना, ठीक है, लैम्प हमारे सर के ऊपर आएगा, जैसे हमारे सर के ऊपर में जब सूरज आ जाता है दोपहर के 12 बजे, तो हमारे जो शैडो दिखेंगे आप आजू बाजू में देखेंगे, यू विल नॉट गेट दैट शैडो बिकॉज इट इज़ अंडरनीथ यू, आपके नीचे रहती है, ठीक है, यानी शैडो गायब हो गई एक तरह से, एक तरह रहती है। तो उसी प्रकार जब आप टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट आएंगे, तो ये ई पॉइंट भी खसक 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 कर कहाँ पे आएगा, बी के तरफ आएगा। तो ध्यान में रखना, यानी ई से लेकर बी तक का मतलब आपको x प्लस वाई इन दोनों का कंबाइंड रेट लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने dy बाई डी टी निकाला दिया था, ds बाई डी टी निकाला, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी दोनों साथ में निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस उतना आप काम करना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैक्सिमम अबाउट 60-70% प्रॉब्लम इट इज़ लाइक प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा का dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी आपको एक्स्ट्रा का निकालना है, वो आप करना, ठीक है। सो मेरे बच्चों, आई होप कि आप ये करेंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में, टिल देन बाय।